जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं सचिन चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एनडीए एग्ज़ाम मेडिकल टेस्ट, कि एनडीए में जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है, आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो उसके बाद होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट टेस्ट आर डन इन एनडीए मेडिकल्स, कि कौन से टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है एनडीए मेडिकल्स में जाने से पहले, वो आपका क्लीनलीनेस, कि आप भाई क्लीन होकर वहाँ पे जाएंगे, आप नहा धो के अपने कानों में से वैक्स वगैरह आप निकलवा के, नेल्स वगैरह कट होंगे आपके, उस तरीके से आप जाएंगे, टीथ्स वगैरह आपके ब्रश होने चाहिए अच्छे से, ये इस आप क्लीनलीनेस का आप अपना ध्यान रखेंगे जब भी आप अपने एनडीए मेडिकल्स के लिए जा रहे हैं। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल मेजरमेंट्स, कि आपके लिए फिज़िकल मेजरमेंट्स, हाइट की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेंगे, इंडियन आर्मी के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो रहेंगे आपके 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर सेम, और इंडियन एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट जो है वो होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आपको एज हाइट में रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप हिली रीजन से बिलोंग करते हो तो। इसके अलावा अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है और अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो भी आपको कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि आपकी हाइट 18 साल की एज तक आपका माना जाता है कि बढ़ती है तो भी आपको कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके हाइट और वेट के इंडेक्स के बारे में, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपका वेट क्या होना चाहिए। इसके अंदर भी एक चीज़ आपका एप्लीकेबल होती है जो यहाँ पे, लाइक यहाँ पे 56 kg आपका वेट यहाँ पे किया कहा गया है होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली 56 ना होके अगर ये प्लस माइनस 10% भी है तो भी आपका एक्सेप्टेबल होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका वेट उतना नहीं है, आपका कम है या ज़्यादा है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। डाइटिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस और गेन वेट, दोनों चीज़ों के लिए आपको डाइटिंग एक बेस्ट वे है, कि आपको रिड्यूस करना है, आपको खाना किस तरीके से खाना है, आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, आपको ग्रेन्स ज़्यादा खाने हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेने हैं। अगर आपको वेट गेन करना है तो भी आप एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम चेस्ट के बारे में बात करते हैं तो आपकी चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। एक्सरे आपका वहाँ पे किया जाता है, कंप्लीट एक्सरे आपका किया जाता है, इसमें आपका स्पाइन और रिब्स के रिगार्डिंग चीज़ें चेक की जाती हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं आपके एनडीए मेडिकल्स के दौरान। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे हाथ पे कट लग गया है, स्कार्स लग गए हैं, या फ्रैक्चर हो गया था कभी हमारे हाथ में, अब वो ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, ऑपरेशंस के मार्क्स हमारे हाथों पे हैं, तो क्या उसकी वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो नहीं, आपके जो कट मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, वो मैटर नहीं करते हैं आपके एनडीए मेडिकल्स के दौरान। नॉकनीज एक ऐसी चीज़ है जो आपका मैटर करती है, लेकिन नॉकनीज जैसी प्रॉब्लम को आप एक्सरसाइज के थ्रू, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो आप इस चीज़ से को ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट अगेन एक रीज़न होता है हमारे पास रिजेक्शन का मेडिकल्स के अंदर। फ्लैट फुट के अंदर भी आपका ना डिग्रीज होती हैं, अगर आपका माइनर है या आपका मेजर है। अगर आपका माइनर है, बहुत थोड़ा सा फ्लैट फुट है, तो भी आप पंजों पे चल पाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे टेस्ट में क्या होता है कि आपको पंजों पे चलवाया जाता है, अगर आपको फ्लैट फुट ज़्यादा होगा तो आप पंजों पे नहीं खड़े रह पाएंगे। अगर माइनर होगा या नहीं ही होगा, उस केस के अंदर आप अपने पंजों पर आराम से 5-6 मीटर तक चल पाएंगे। हम बात कर लेते हैं स्वेटी पाम्स के बारे में। स्वेटी पाम्स अगेन एक कंसर्न है, इशू है, तो अगर आपको स्वेटी पाम्स है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मेडिसिंस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलते टाइम आप हकलाते हैं या आप बोलते टाइम अच्छे से नहीं बोल पाते, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से, अगर आप नर्वस होने पे या फास्ट बोलने पे ही आप हकलाते हैं या हिचकते हैं, तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये इशू बहुत ज़्यादा है तो आपका ये रीज़न भी आपका एक रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है। मेडिकल टेस्ट कौन से होते हैं? आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप वहाँ पे किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, आपका शुगर लेवल चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर, आपका ईसीजी,
सारे आपके मेडिकल टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। डेविटेड सेप्टम का एक इशू ये क्या होता है कि आपकी जो नाक होती है उसमें जो आपकी नाक की जो बीच की हड्डी होती है वो कई बार खिसक जाती है, वो नेचुरली भी टेढ़ी हो सकती है, वो बाद में भी किसी रीज़न से टेढ़ी हो गई हो, ऐसा हो सकता है, उसको सेप्टम कहते हैं। अगर वो आपका डेविएट हो गई है तो ऑपरेशन के थ्रू उसको ठीक करवाया जा सकता है, बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन इसके लिए कंडक्ट होता है। डेंटल चेकअप के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो डेंटल चेकअप में क्या होता है, आपके टोटल 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए कि आपके टोटल दांत कितने हैं, क्या आपका जबड़ा अच्छे से बंद होता है नहीं होता है, तो कैविटी है या नहीं है, इस तरीके से आपका टोटल कंप्लीट जब चेकअप होता है, डेंटल चेकअप होता है, तो टोटल आपके 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। आपका अगर मान लो कोई दांत ख़राब है या अच्छे से जबड़ा बंद नहीं होता या कोई दांत टूटा हुआ है तो उस बेसिस पे आपके मार्क्स कटते जाते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास आपका स्कोर 14 out of 22 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। आर्टिफिशियल अगर आपका एक दो दांत है तो भी उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। टैटू पॉलिसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टैटूज़ क्या सर आर्मी के अंदर अलाउड होते हैं, तो एक्चुअली अगर आपका बैक ऑफ द पाम के ऊपर टैटू है या इनर आर्म के ऊपर आपका टैटू है तो उसको एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी टैटू है तो आपको उसको रिमूव करवाना पड़ेगा। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है अगर आप किसी ट्राइबल एरिया से आप बिलोंग करते हो, आप किसी ट्राइब के पार्ट हो जहाँ पे टैटूज़ रखना एक रिचुअल है, तब आपको इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया जाता है। विज़न के अगर हम बारे में बात करें तो आपका 6x6 का एक आँख के अंदर और 6x9 का आपका दूसरे आँख के अंदर विज़न एटलीस्ट होना चाहिए आपका, लेकिन पावर इज़ समथिंग डिफरेंट। पावर की अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इंडियन आर्मी में -2.5 से +3.5 तक अलाउड है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर -0.5 से +2.0 तक आपका अलाउड है, और इंडियन नेवी में 0.75 से +1.5 तक की पावर आपको अलाउड है। कलर परसेप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो वो चीज़ आपका एक रीज़न बन जाता है आपका रिजेक्शन का मेडिकल्स के अंदर, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर आपका CPI होना चाहिए और इंडियन आर्मी के अंदर CP III आपका लेवल होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट NDA मेडिकल्स, NDA के मेडिकल्स को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करना है अपने जो चीज़ें आपको हमने अभी बताई हैं उन चीज़ों पे। स्पेशली NDA कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आपका विज़न, आपका हाइट और वेट अगर आपका ठीक है तो मोस्टली इशू नहीं आता है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो अभी भी कम किया जा सकता है, अगर कम है तो उसको गेन किया जा सकता है। हाइट शायद बढ़ाना इस मोमेंट पे इतनी जल्दी पॉसिबल ना भी हो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, तो आपको इसको लेके फिक्र नहीं करनी है, आपको मेहनत करनी है अपने रिटर्न के लिए, अपने SSB के लिए, अपने मेडिकल्स के लिए। आप फॉलो कर सकते हैं मानिक्षा ऑफिसर्स अकेडमी को यूट्यूब पे, आप फॉलो कर सकते हैं मानिक्षा ऑफिसर्स अकेडमी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं NDA 2023 के लिए तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी गाइडेंस चाहिए तो भी आप सामने दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।